बच्चों, आज की वीडियो में हम लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ के बारे में बात करेंगे। ओम्स लॉ हमने पहले ही काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया है। हमने इसकी मैथमेटिकल फॉर्म और वेक्टर फॉर्म दोनों ही पढ़ ली थी, पर हमने लिमिटेशंस के बारे में बात नहीं की थी। तो आज हम इसकी लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ओम्स लॉ को अच्छे से समझने के लिए ज़रूरी है कि हमें उसकी लिमिटेशंस भी पता हों। बच्चों, यहाँ मैंने एनसीईआरटी के सभी जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके नोट्स बना लिए हैं और आपको इसकी पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ये जो ओम्स लॉ है इसको हम कोई फंडामेंटल या यूनिवर्सल लॉ की तरह नहीं मानते हैं, जैसे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो फिजिकल कंडीशन से इंडिपेंडेंट है, वो टेम्परेचर प्रेशर इन पर डिपेंड नहीं करता है। पर जब हम ओम्स लॉ पढ़ते हैं तो हम उसमें ये ज़रूर मेंशन कर देते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर और इफ़ फिजिकल कंडीशंस रिमेन अनचेंज्ड, ये ज़रूर हम मेंशन कर देते हैं। तो ये क्या है, ये लिमिटेशंस ही तो हैं ओम्स लॉ की। बच्चों, क्या है ओम्स लॉ? वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, मीन्स वी और आई लीनियर बिहेवियर शो करते हैं। जो ग्राफ है वी और आई का वो स्ट्रेट लाइन आता है। अब हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स देख लेते हैं जहां पर V और I का बिहेवियर लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर बिहेवियर शो करते हैं। मीन्स अब जो ग्राफ है V I का वो स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा हमें। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चेंज इन द नेचर ऑफ मटेरियल अकर्स विद पासेज ऑफ करंट, नॉन लीनियर बिहेवियर बिटवीन V एंड I। बच्चों, जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो उसके हीटिंग इफेक्ट की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है। करंट फ्लो हो रहा है, करंट इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो गया। अब टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो जो हमारी ओम्स लॉ की कंडीशन है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अब वो फॉलो नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पर ओम्स लॉ जो है वो भी पूरी तरह से फॉलो नहीं हो पाएगा। इस सिचुएशन में नॉन लीनियर बिहेवियर मिलेगा वी आई ग्राफ का। तो बच्चों, जैसा हम ये ग्राफ में देख रहे हैं कि वी आई ग्राफ अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन आती है। करंट फ्लो होने से टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज होने से अब ओम्स लॉ की कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, इसलिए ये जो ग्राफ है ये अब नॉन लीनियर है, एक कर्व की फॉर्म में आ गया है जिस टाइम पर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो बच्चों, ये कंडीशन आपको समझ में आ गई। इसीलिए जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं ओम्स लॉ का तो आपसे ये बोला जाता है कि रीडिंग लेने के बाद तुरंत जो सर्किट है उसको ओपन कर दें। चलिए अब ये सेकेंड एग्जांपल देख लेते हैं। मिजरेबल करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग ओनली एट अ पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चों, किसी किसी एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज की सप्लाई होने के बाद ही करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है। उस पर्टिकुलर वोल्टेज से पहले, मतलब अगर वोल्टेज उस वैल्यू से कम रही तो करंट फ्लो नहीं होता। सपोज हम मान लेते हैं कि वो वैल्यू है वी नॉट जिस पर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो रहा है। तो अब अगर वी की वैल्यू वोल्टेज वी नॉट से कम होगी तो करंट फ्लो नहीं होगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस तो है ना, पर करंट फ्लो नहीं हो रहा है, मींस यहाँ पर ओम्स लॉ जो है वो फॉलो नहीं हो रहा है। तो ये ओम्स लॉ के अगेंस्ट है कि पोटेंशियल डिफरेंस होने के बाद भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। बच्चों, आप ये ग्राफ देख रहे हैं, आई वी ग्राफ है। इसमें एक्स एक्सिस पर वोल्टेज को लिया गया है और ये जो पॉइंट है ये पर्टिकुलर वी नॉट को मेंशन कर रहा है। तो बच्चों, V नॉट से इस साइड जो वोल्टेज की वैल्यू है वो V नॉट से कम है, इसलिए यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। जब वोल्टेज इंक्रीज होते होते V नॉट तक आ जाती है तब करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है। तो ये वाटर वोल्ट मीटर में इस तरह से देखा जाता है कि वोल्टेज की सप्लाई होने के बाद भी कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू तक करंट फ्लो नहीं होता। ऐसे ही हम सेमीकंडक्टर्स में कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे डायोड पर बेस्ड, वहाँ पर भी हम ऐसा देखेंगे कि किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू वी के लिए ही करंट का फ्लो स्टार्ट होगा। तो बच्चों, इस सिचुएशन में जो वोल्ट मीटर है वो तो रीडिंग शो करेगा, पर जब तक वो वी नॉट पर नहीं आ जाता तब तक अमीटर में रीडिंग नहीं आएगी, वो ज़ीरो रीडिंग पर ही रहेगा।
तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, अब थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी आई रिलेशनशिप वेरीज विद चेंज ऑफ पोलरिटी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। अगर अप्लाइड वोल्टेज की पोलरिटी चेंज कर दी जाती है तो जो वी आई रिलेशनशिप है उसमें भी चेंज आ जाता है, मीन्स जो वी आई ग्राफ है वो भी चेंज हो जाता है। ऐसा हमें देखने मिलता है डायोड के लिए। डायोड इज अ डिवाइस विच अलाउड टू फ्लो द करंट इन वन डायरेक्शन ओनली। डायोड से जो करंट है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो इस डिवाइस को यूज किया जाता है ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने के लिए। आप ये सब बहुत डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 14 में, तो अभी हम ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, बस हम ये देख लेते हैं कि डायोड कैसा होता है और जब उसको बैटरी के साथ फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्ट किया जाता है तब बहुत कम रेजिस्टेंस ऑफर करता है वो, और आप यहाँ ग्राफ में देख सकते हैं कि करंट अच्छे से फ्लो हो रहा है। पर अगर पोलरिटी चेंज कर दी जाती है, मींस अब अगर डायोड को बैटरी के साथ रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट कर दिया जाता है तो ये हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है और ऐसे में करंट का फ्लो बहुत कम हो जाता है। ये हम यहाँ ग्राफ में देख रहे हैं ना कि अब करंट की वैल्यू बहुत कम है। बच्चों अब हम फोर्थ एग्जाम्पल देख लेते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। डिक्रीज इन करंट इज पॉसिबल विद इंक्रीज इन वोल्टेज। अब अगर वोल्टेज में इंक्रीमेंट हो रहा है, वोल्टेज इंक्रीज हो रही है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट को भी इंक्रीज होना चाहिए पर करंट डिक्रीज हो जाता है, तो ऐसा भी पॉसिबल है। देख लेते हैं कहाँ। तो बच्चों ये भी सेमीकंडक्टर्स में ही पॉसिबल है। गैलियम आर्सेनाइड के लिए ये आईवी ग्राफ बनाया गया बच्चों। तो इस ग्राफ में हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर तो ये लीनियरली वैरी कर रहा है कि ये यहाँ तक, अगर हम इसको ओ बोलें तो ओ से लेकर ए तक तो ये लीनियरली वैरी कर रहा है, मीन्स ओम्स लॉ यहाँ पर फॉलो हो रहा है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये कर्व की फॉर्म में आ गया, अब ये नॉन लीनियर है पर अभी भी क्या है, वी के इंक्रीज होने पर आई इंक्रीज हो रहा है। अब बी से सी तक के लिए देखते हैं। बी से सी तक में आप ये देखेंगे कि ये करंट डिक्रीज हो रहा है, तो ये नेगेटिव रीजन आ गया बच्चों। तो अब ये आप अच्छे से समझ गए होंगे कि यहाँ पर देखिए कि ये लीनियरली वैरी कर रहा है, यहाँ पर नॉन लीनियर है और यहाँ पर ये करंट डिक्रीज होने लगा इवन V is increasing, तो ओम्स लॉ यहाँ पर भी फॉलो नहीं हो रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, देयर इज मोर देन वन वैल्यू ऑफ V फॉर द सेम I। सेम करंट हमें वोल्टेज की तो डिफरेंट वैल्यू के लिए मिल रहा है। सपोज हम यहाँ पर देखें कि ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, तो इसके लिए V और इसके लिए V जो है ये चेंज है पर करंट दोनों के लिए सेम है। फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ वोल्टेज वी हैव सेम वैल्यू, वन वैल्यू ऑफ करंट। तो बच्चों ये थी ओम्स लॉ की लिमिटेशंस। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी।